ओम ज्ञान तिमिरन्नस्य ज्ञानशलाया चक्षुर्विमुक्तं नमः श्री चैतन्य मनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ने पांचवें अध्याय पांचवें श्लोक तक इस अध्याय का कर लिया था। छठवें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। तो ये जो श्लोक है अभी आप देख सकते हैं, तो इस श्लोक में शब्द काफी बड़े हैं। जब आप संस्कृत के श्लोकों को देखेंगे तो एक शब्द काफी बड़े बड़े आपको लगेंगे, लेकिन वहीं पर उसका अंग्रेजी में एक एक शब्द को टुकड़े टुकड़े करके दिया गया ताकि आपको श्लोक का उच्चारण करने में आसानी हो सके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा। तो इस तरह से हम इसको एक एक करके शब्द को रोक रोक के पढ़ सकते हैं, जबकि यहाँ पर इस तरह से हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो खैर हम यहाँ पर ये श्लोक पढ़ेंगे। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट कुर्वाणी पश्याश्चर्यान भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो भगवान अपने विराट रूप में क्या क्या दिखा रहे हैं हम नोट करेंगे इन सब चीजों को। सबसे पहले आदित्यों को, तुम आदित्यों को देखो जहां से प्रकाश हमें मिल रहा है। वसुओं को देखो, अष्ट वसु हैं, द्वादश आदित्य हैं, अष्ट वसु हैं। रुद्रों को देखो, 11 रुद्र हैं। अश्विनी कुमारों को, दो भाई हैं अश्विनी कुमार जो कि शल्य चिकित्सा में अग्रणी है, आप कह सकते हैं कि देवताओं के डॉक्टर है। तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो सभी देवताओं को एक साथ एक फ्रेम में देखने का जो मौका मिला था वो अर्जुन को ये विराट रूप के द्वारा था। आप सारे देवताओं को एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। शिव जी भी दिखेंगे, ब्रह्मा जी भी दिखेंगे, आपको यम भी दिखेंगे, इंद्र चंद्र वरुण सोम सबको दिखेंगे। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। अर्थात भगवान के विराट रूप को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा और शायद भविष्य में कोई देखने वाला था अर्जुन के बाद, पर यह विशेष अवसर था जब भगवान अपने विराट रूप को स्वयं दिखा रहे। ऐसा कभी नहीं था कि भगवान किसी के लिए स्पेशली लो देखो, लेकिन ये मौका था जब अर्जुन के साथ उनका विशेष संवाद होते होते अर्जुन, चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, सखा हो, साथ ही साथ भक्त हो, भक्तो सिमे सखा चेति रहस्य में तद उत्तम, मैं इसलिए अपना ये रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। कौन सा रहस्य? कि मैं स्वयं भगवान हूं और ये देखिए मेरा रूप। इह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि।
हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। इस भौतिक संसार में तुमको जो कुछ भी देखना है वो तुम यहाँ पर देख सकते हो। भौतिक संसार में ही जो कुछ देखना है वो तो छोड़िए, वर्तमान में जो चल रहा है उसके अलावा अगर आप तुम्हें भविष्य का देखना है तो वो भी एक भविष्य, ये भी विश्व रूप दिखा सकता है। तो इस विश्व रूप में सब कुछ है, सृष्टि के शुरुआत से लेकर अंत तक, आज जो चल रहा है, प्रत्येक जीव के किसके बैकग्राउंड, किसका फोरग्राउंड, सब कुछ देखना है, सब कुछ वहां पे पता चलेगा। भविष्य, भूत, वर्तमान, 14 लोक हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, भू लोक, अतल लोक, पाताल लोक, कहीं का कुछ भी जानकारी चाहिए, किसी वृक्ष को देखना है, किसी जीव को देखना है, तुम्हारे मम्मी क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ है, सब कुछ आप देख सकते हैं। इस तरह से विराट रूप था भगवान का, और भगवान कह रहे हैं कि देखो जो देखना चाहो देखो। तुम्हारे पिता को तुमने कभी बचपन से नहीं देखा ना, उनको भी देख सकते हो। इस तरह से भगवान उनको कह रहे हैं कि जो देखना चाहो वो देखो, जो बीत चुका है वो घटना वापस से देख सकते हैं। यहां तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है। इसीलिए भक्त वैज्ञानिकों से ज्यादा विज्ञान के विषय में उनको जानकारी होती है, क्योंकि भगवान चाहे तो विज्ञान का और छोर सब कुछ लाकर भक्त के सामने रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कैमरा लगाएंगे तो हमें यहाँ से दूसरे देश में क्या हो रहा है ये हमें पता चलता है, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में क्या रहा है हमको तो ये भी नहीं पता कि दूसरा ब्रह्मांड भी होता है, या दूसरे ब्रह्मांड में कुछ घटनाएं होती है, या वहां पर जीवन है। हम तो कभी, हमारा जो बड़े बड़े सैटेलाइट हैं या जो भी कहें कि ग्रह, हम कुछ भेजते यहाँ से कुछ, तो कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो विमान दूसरे ब्रह्मांड को पहुंच जाए। इस ब्रह्मांड के पार जाना ही कठिन है, इस ब्रह्मांड को भेद पाना, इस ब्रह्मांड के पार जाना असंभव काम है। तो दूसरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है ये तो कभी हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ये भी दिखा सकते हैं कि दूसरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। अर्जुन चाहे तो कुछ भी देख सकता था उसमें पर। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अभी तक अर्जुन नहीं देख पा रहा था, भगवान बोल रहे हैं देखो देखो, अर्जुन बोले किधर है किधर है, हमको तो नहीं दिख रहा। भगवान कह रहे हैं कि मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा रुको। लेकिन क्या है कि तुम अपने इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते, तो इसका क्या अर्थ है? भगवान किस तरीके से देख, भगवान को हम किस आंखों से देख सकते हैं? दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं। आज भी अगर हमें भगवान के विराट रूप, विश्व रूप का अगर दर्शन करना है तो हमें एक विशेष चक्षु की आवश्यकता है। वो चक्षु है ज्ञान चक्षु। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें, ग्रंथों के माध्यम से हम भगवान को, विश्व रूप को देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में अभी अभी इस 11वें अध्याय में या 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मैं जलचरों में मगर हूं, मैं नरों में सबसे श्रेष्ठ नर हूं, मैं जितने भी जो ऋषि मुनि हैं इनमें मैं भृगु ऋषि हूँ। तो इस तरह से जब बताते हैं तो हम जब भी भृगु ऋषि को याद करेंगे, ओ भृगु ऋषि भगवान के ऐश्वर्य के एक अंश है, इसी प्रकार से भगवान को याद करेंगे। इस अध्याय में धीरे धीरे आगे आएंगे कि भगवान कहते हैं, भगवान ये भी कहेंगे कि जो जल में लगने वाली प्यास है, ये 7वें 8वें अध्याय में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब हमें प्यास लगती है तो प्यास लगते समय जो जल है, जल के द्वारा जो हमें प्यास बुझती है, उसका जो स्वाद है जल का, वो भी भगवान कहते हैं मैं हूं, ताकि हम जल पीते हुए भी भगवान को याद कर सकते हैं। तो इस तरह से शास्त्रों को पढ़ने के बाद एक अनुभूति होती है कि भगवान तो हमारे सभी जगह है, इधर भी है, इधर भी है, सामने भी है, पीछे भी है, सभी तरफ। तो हम इस तरीके से भगवान को समझ सकते हैं कि हर स्थिति में, हर क्षण भगवान हमारे आसपास है, हमारे साथ है, परंतु हम इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। अतः भगवान दिव्य आंखें दे रहे हैं अर्जुन को, ताकि भगवान के योग ऐश्वर्य को वो देख सके। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक ही नहीं रहता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भक्त को विश्व रूप देखने की इच्छा नहीं है। भक्त तो देख रहा है द्विभुज रूप में भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं बांसुरी के साथ में, उनको तो वही रूप अच्छा लगता है।
लेकिन अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था। भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में जिन कथनों का उपयोग किया, तो कोई भविष्य में नहीं ये ना कहे कि अरे डिंग हाँक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान के जैसा कुछ काम तो करते नहीं। तो भगवान की बातों की पुष्टि करने के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे विश्व रूप का दर्शन कराइए, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए। भगवान सिर्फ फिलॉसफी देके या सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए वहां पर ऐसे भगवान नहीं थे, भगवान साक्षात रूप से वहां पे भगवान प्रकट थे। उन्होंने अपना विराट रूप, सृष्टि का जो विश्व रूप है, अद्भुत रूप है, वो भी दिखाया। तो बाद में लोगों को ये कहने का अवसर नहीं देना चाहते थे अर्जुन, इसीलिए वो भगवान को रिक्वेस्ट करते कि आप हमें दिखाइए अपना दिव्य दृष्टि, अपना विराट रूप। संजय हुआ। अच्छा, अब संजय का कथन आरंभ होगा, क्योंकि अब अर्जुन तो देखने में लग जाएंगे, अर्जुन तो उस विराट रूप को देखते देखते एक भाव विह्वल हो जाएंगे, तो हमें कौन बताएगा कि अर्जुन क्या दिख रहे हैं। तो इस समय पर हमारे लिए थर्ड एम्पायर का या कमेंटेटर का काम कर रहे हैं संजय, कमेंट्री हो रही है वहां से कि देखिए मुझे ये दिख रहा है। जिस तरह से जब क्रिकेट मैच आता है तो कमेंटेटर्स अपने सामने टीवी बॉक्स में बैठकर देखते रहते हैं और वहां पर कमेंट्री करते रहते हैं कि अभी ये बॉलिंग कर रहे हैं, ये बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने चौका मारा, छक्का मारा, ये आउट हुए। उसी प्रकार से संजय अभी देख रहे हैं टेलीविजन की तरह कि युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, और युद्ध भूमि का सबसे मुख्य दृश्य जो कि भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के रथ के ऊपर टिका हुआ था, और उस जगह पर संजय देख रहे हैं कि भगवान क्या दिखा रहे हैं। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। भगवान अभी तक कह रहे थे देखो देखो, लेकिन अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, अब देखो। इतने देर तक विश्व रूप दिखाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अर्जुन देख ही नहीं पा रहे। अर्जुन तो अभी तक देख नहीं पा रहे। जब अर्जुन को दृष्टि प्रदान की गई, अब अर्जुन वहां पर देखेंगे कि भगवान दिखते कैसे, विश्व रूप होता क्या है। हमने बड़े बड़ी चर्चा सुनी विश्व रूप की, विराट रूप की, आज फाइनली हम उस अध्याय में पहुंच गए। रोजी क्या होता है विश्व रूप, विराट रूप, बड़ी जिज्ञासा है हमें जानने की। तो विश्व रूप क्या है, अब इसमें देखेंगे। तो इसको थोड़ा तोड़ने में आपको दिक्कत होगा, मैं इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ रहा हूं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकार्थदर्शनम अनेकाभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र, देखिए भगवान कितना सुंदर सा रूप दिखा रहे हैं, मैं इसका वो वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूँ। हर शब्द के लिए अनेक और अद्भुत शब्द का उपयोग हो रहा है। अनेक वक्त्र नयनम, अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, अनेकाद्भुत दर्शनम तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे, अनेक और अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था, दिव्यानेको द्यतायुधम, और अनेक दैवीय हथियार उठाए थे, आयुध जो कहते हैं आयुध, अनेको अनेको जतायुधम, तो आयुधम ये जो है ये अस्त्र के बारे में बात कर रहे। तो दिव्य, अनेक दिव्य अस्त्र धारण किए हुए। दिव्य माल्यावरम धरम, तो दैवीय मालाएं तथा वस्त्र धारण किए, भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। तो दिव्य माल्यांबर धरम, दिव्य गंधानुलेपनम, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। प्रभु जी, हमको तो समझ नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम कि इसमें क्या और विस्तार पूर्वक भगवान बता रहे हैं। तो मुख्य रूप से हम यहां तक आज देखेंगे। तो देखिए अर्जुन इस विराट रूप में क्या क्या दिख रहा है, संजय बता रहे हैं।
इस विश्व रूप में असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है। क्या अर्थ है इसका? असंख्य मुख वाले भगवान, अर्थात इस सृष्टि में जहां जहां पर मुख दिख रहा है वो सभी भगवान के मुख है, जहां जहां पर नेत्र दिख रहे हैं वो सभी भगवान के नेत्र हैं, जहां जहां पर आश्रम में जो भी दृश्य दिख रहा है ये सभी भगवान के रूप है। तो हम क्या कहें, मतलब क्या जितने भी जो जीव दिख रहे हैं क्या वो भगवान है? नहीं, जो जीव दिख रहे हैं वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान सर्वत्र व्याप्त है सबके हृदय में। कहते हैं ना भगवान कि मैं सब में व्याप्त हूं, लेकिन मैं सब में व्याप्त हूं लेकिन मैं उनमें हूं पर उनमें नहीं हूं। भगवान इस तरह से एक व्याख्या करते हैं। भगवान कहते हैं कि वो सब में तो है लेकिन भगवान हम में से नहीं है, अर्थात वो कहते हैं कि हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में है भगवान, और इस रूप से भगवान सर्वत्र है, हमारे हृदय में भी है, हमारे अलग अलग शरीर, हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में भी भगवान है, प्रत्येक अणु परमाणु में भी भगवान है परमात्मा रूप में। साथ ही साथ भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं, उनमें नहीं हूं, इसका अर्थ कि भगवान का एक अलग धाम है, भगवान वहां पर विराजमान है, तो भगवान हम में नहीं है, अर्थात हमारे बीच हम जैसे नहीं है कि हम जैसे एक जगह है तो दूसरे जगह हम नहीं जा सकते, हमारी लिमिटेशन है, आत्मा के कुछ सीमित सीमित है आत्मा। उसी प्रकार से आत्मा में बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि भगवान के अंश हैं लेकिन बहुत आंशिक रूप से। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनमें नहीं हूं, मेरा एक अलग धाम है, मैं उस धाम में विराजमान हूं लेकिन मैं इन सब में विद्यमान हूं, इन सब के हृदय में परमात्मा के रूप में हर कण कण में भगवान विद्यमान है। इसीलिए भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थिता। भगवान इस नवे अध्याय के चौथे श्लोक में, तीसरे या चौथे श्लोक में इस बात के बारे में बात करते हैं कि मैं सब जगह हूं, प्रत्येक जगह विद्यमान हूं लेकिन मैं उनमें नहीं। तो ये भगवान कहे कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। तो जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान देख रहे हैं आपको। अच्छा, मतलब इस कमरे में भगवान होंगे तभी तो देख रहे हैं, तो जो मुझे देख रहे उनकी दो आंख दो कान होंगे, परंतु दूसरे जो रूम है, दूसरा जो कक्ष है, वहां पर भी कोई कुछ गलत काम करेगा उसके लिए भी ये बात लागू होगी कि भगवान देख रहे। अच्छा, तो वहां पे भगवान होंगे उस रूम में भी। तो इस तरह से जहां जहां पे भगवान है सब जगह भगवान देख रहे हैं, तो असंख्य नेत्र हुए कि नहीं हुए। इसी तरह से असंख्य मुख कैसे हुए? आपके घर में भगवान का आपने फोटो लगा के भगवान को बोला कि भगवान मैं आपको भोजन अर्पित कर रहा हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए, तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं ऐसा आपको लगता है। इसी तरह से हम भी यहाँ पर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। हजारों मंदिर हैं, लाखों मंदिर होंगे पूरे विश्व में, तो भगवान सब जगह पे भोग स्वीकार कर रहे हैं, अलग अलग घर सब जगह पे, तो अनेक मुख हो गए, असंख्य मुख हो गए, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य है। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था। इस रूप में जो भगवान का विराट रूप था इसमें सभी देवी देवताओं भी, देवी देवताएं भी शामिल है, तो असंख्य और दिव्य आभूषण से अलंकृत हैं और अनेक दैवीय हथियार उठाए हुए हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जब दुर्गा माता अपने अष्ट भुजाओं के साथ जब अलग अलग प्रकार के आयुधों को धारण किए होती है, या नरसिंह देव जी अपने अलग अलग भुजाओं के साथ अलग अलग हथियार अस्त्र उठाए होते हैं, या फिर हम सामान्य रूप से सहस्त्र अर्जुन नाम का एक असुर था उसके बारे में बात कर सकते हैं कि उसके हजार हाथ थे, तो उस हजारों हाथों से वो युद्ध करता था। तो क्या भगवान के लिए असंख्य हस्त होना और असंख्य हस्तों से हाथों से असंख्य रूप से अनेक देवी हथियार को धारण करना क्या कठिन है, कोई मुश्किल बात है? नहीं। क्या दैवीय मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे भगवान ने, अनेक आभूषण अनेक वस्त्र इस तरह से धारण किए हुए और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी, सब कुछ आश्चर्यमय तेजमय असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। आश्चर्य तो था ही, तेजमय था क्योंकि भगवान जहां भी होते वहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, और असीम इतना प्रकाश निकल रहा था कि आंख भी वहां पर चौंधिया जा रहे थे, आंख देखने के लिए मुश्किल हो रहा था, असीम था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका सीमा कहाँ है, किधर खत्म होगा। तो इसीलिए कहा गया असीम, कोई सीमा नहीं, तथा सर्वत्र, तो दोनों शब्द का एक ही अर्थ हो रहा है, सर्वत्र है इसीलिए असीम है, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि इसकी ये किधर होगा। तो इस तरह से ये भगवान का विराट रूप था
जिसका हमने थोड़ा सा उन्हें झलकी दिखा कि किस तरह से अर्जुन को वो विराट रूप का दर्शन हो रहा था। तो आपका किसी का इसमें कुछ प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। विराट रूप में अर्जुन ने क्या-क्या देखा, ये हमें संजय कल बताएंगे या हमें इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से विराट रूप का हमें दर्शन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हम नहीं रोक सकते अपने आप को तो आपके पास भगवद्गीता है, आप आगे पढ़ सकते हैं और क्या क्या देखा उन्होंने इसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न है अभी तक पिछले अध्याय इस अरे अध्याय से प्रभु संबंध? यस प्रभु। जी, मैंने ये अध्याय जब पढ़ा तो उसमें बताया था कि ये जो विराट रूप था तो भगवान ने ये सिर्फ अर्जुन के सामने ही दिखाया था, तो ये क्या संजय भी देख पा रहे थे इसको? वो हाँ किस तरीके बिल्कुल से इसका वर्णन कर रहे हैं, वो खुद बिल्कुल, देख? संजय को भी ये दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। देखिए ऐसा नहीं कि अर्जुन ही देख पा रहे थे, ये युद्ध भूमि में अर्जुन को ये दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में भगवान के इस विराट रूप का दर्शन तो व्यास देव जी भी कर रहे थे, नारद मुनि जी भी कर रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि कर रहे थे, बड़े बड़े देवता भगवान शिव जी ब्रह्मा जी ये सभी भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे थे। ये इतिहास में एक अकेला ऐसा मौका था जब भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे। एक विराट रूप भगवान ने दुर्योधन की सभा में जब वो राजदूत बनकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे, तब भी दिखाया था, परंतु वो इतना विशाल नहीं था, वो इतना विस्तृत नहीं था जितना अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं, तो इसको संजय भी देख पा रहे थे क्योंकि संजय को व्यास देव जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त था, उनको दिव्य दृष्टि पहले ही प्रदान की गई थी ताकि वहां पर जो भी कुछ हो सके उसका विवरण वो धृतराष्ट्र को सुना सके, मतलब उन्हें दिखा सके। तो इसलिए अब व्यास देव जी तो स्वयं कैसा ही भगवान है, व्यास देव जी को स्वयं को हम लिटरली भगवान नहीं के साहित्यिक अवतार माना जाता है, तो व्यास देव जी साहित्यिक अवतार है भगवान के, तो उन्होंने संजय को ये शक्ति दी थी। किसके कहने पर? धृतराष्ट्र ने विनय किया था कि मुझे भी देखना है क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों में नहीं देखूंगा क्योंकि मैं बचपन से अंधा हूं और मैं ये देख नहीं सकता, बचपन से तो मैंने अपने बच्चों को बड़े होते नहीं देखा, तो मैं अब उनको मरते भी नहीं देख सकता, इसलिए आप संजय को ये दृष्टि प्रदान कीजिए, मैं उसके द्वारा देखूंगा। तो खैर संजय को ये दिव्य दृष्टि दी गई थी और वो देख पा रहे थे। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमारे पास 2 मिनट और समय है, अगर कोई और प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। 10.42 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु जी? 10वें अध्याय का कौन सा श्लोक? 42 42। लास्ट वर्स। प्रभु सत्वा भव जी। नयते न किम ज्ञाते न तवार्जुन पृष्ठभ्याम अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। परंतु इस प्रकार के विशद वर्णन की क्या आवश्यकता है अर्जुन, मेरे एक अंश के माध्यम से ही मैं इस पूरे संसार का संचालन करता हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्यों का विस्तृत विवरण किया, साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं तुमको ये इतना सारा है, मैं उसमें से थोड़ा सा कुछ उदाहरण रूप में बता रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा कहा, उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं ये हूँ, इन सब में मैं ये हूँ, सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज बताते गए और अंत में कहे कि ये मेरे वैसे तो ऐश्वर्य असीम है, अनंत है, गिन नहीं सकते, मैंने कुछ बताया। पर अंत करते हुए, इस पूरे अध्याय का अंत करते हुए भगवान कह रहे हैं कि लेकिन ये सब चीज की जानकारी की क्या आवश्यकता है, ये सब ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये सब ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ये तो मेरे सिर्फ एक अंश के माध्यम से, मैं तो सिर्फ एक अंश के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड को संचालन कर रहा हूं, तो आप एकदम समक्ष सामने में मुझे देख रहे हैं द्विभुज रूप में, तो मैं ही तो हूं इस संसार का सृष्टि करता, सब कुछ करने वाला,
तो मेरे इन ऐश्वर्यों के विषय में जानकर तुम क्या करोगे? जब भगवान वो जो ऐश्वर्य बता रहे, तो वो ज्ञान वास्तव में कोई बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान की भक्ति के समक्ष। कि भगवान कह रहे हैं कि आप देवताओं में इंद्र को देखो, आप बृहस्पति, आप जितने भी पुरोहित हैं उसमें बृहस्पति को देखो। तो हम इंद्र को, बृहस्पति को, मगरमच्छ को, या कामदेव को, या फिर ये अलग अलग जो है घोड़े हैं, हाथी हैं, तो इन सब में से हम देखकर, इनके ऐश्वर्यों को देखकर हम भगवान को याद करें। ये एक तरीका है, भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से ऐश्वर्यों को देखकर आप मुझे याद कर सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे भगवान की भक्ति कीजिए। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि ये सब विशद वर्णन की क्या आवश्यकता है, तुम इन सब चीजों को, एक भक्त को जानने की कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई इच्छा नहीं होती है सारे ऐश्वर्यों को भगवान के जानने की। वो भगवान की भक्ति करता है, उसको इतना समझ में आ गया। 10वें अध्याय का जो हमने शुरू में 4 श्लोक डिस्कस किया था आपने, चतुर्श्लोक की भगवदगीता का जो 4 श्लोक था, 8वां 9वां 10वां 11वां, ये 4 श्लोक है। भक्त इतने में समझ जाता है, संतुष्ट रहता है, उसको और फिर एक एक करके इस ऐश्वर्य के बारे में, इस ऐश्वर्य के बारे में उसको और जानने की कोई इच्छा नहीं होती, नहीं इसकी कोई आवश्यकता है। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि नॉट रिक्वायर्ड, क्या जरूरत है इसकी। लेकिन अर्जुन ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन किस लिए पूछ रहे हैं? अपने लिए नहीं पूछ रहे। अर्जुन हम जैसे मूर्ख बुद्धि वालों के लिए पूछ रहे हैं कि भाई आप भगवान हमें बता दीजिए कि आपका ऐश्वर्य कहाँ कहाँ है। और यही नहीं, 11वें अध्याय में तो अर्जुन ये कहते हैं कि ठीक है, आपने ऐश्वर्यों को बताया, मुझे दिखाइए ऐश्वर्य आपके में किस रूप में है, ताकि ये पक्का पक्का क्लियर हो जाए कि आपने जो बोला है वो 100% सत्य है। नहीं तो कलयुग के लोग इतने इतने संशय वाले लोग हैं, इतने डाउटफुल हैं कि वो इस पे भी शक करेंगे कि नहीं भगवान तो ऐसे होते नहीं है, बस बोल दिया, भगवदगीता में कहाँ प्रमाण है, भगवदगीता को लोग मानेंगे नहीं। हर बात का भगवान ने प्रमाण दिया है भगवदगीता में, इसीलिए भगवदगीता आज विश्व की सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ मानी जाती है हर धर्म के लोगों के लिए। कुरान भी इतनी प्रामाणिक नहीं है, बाइबल भी इतनी प्रामाणिक नहीं है, भगवदगीता जितनी प्रामाणिक है। दूसरे धर्मों की अगर बात करें, पता नहीं कहाँ से वो ग्रंथ आया, किधर से आया, उसमें बात नहीं कितनी सही है कितनी गलत है ये पता नहीं, लेकिन भगवदगीता में भगवान ने ये जो दिखाया, पहले बोला कि मैं भगवान, उसके बाद दिखाया कि लिखिए विराट रूप, तो ये सारी चीजें प्रामाणिक है। साथ ही साथ सबूत भी दिए जा रहे हैं कि देवल ऋषि, असित ऋषि, नारद मुनि, व्यास देव, ये सारे लोग भी बात करते हैं, ये सभी मानते हैं कि कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी मानते हैं, शिव जी मानते हैं, विष्णु जी भी मानते हैं, दुर्गा जी मानते हैं, गणेश जी मानते हैं, और कौन बचा आपके लिस्ट में, ये सभी मानते हैं। हाँ, अभी आजकल आपके बाबू बापा आ गए हैं, ये निर्मल बाबा, ये बाबू जी, वो दुनिया भर के, तो इन लोगों की बात क्या करें, जब बड़े बड़े देवता गंधर्व किन्नर ये सभी मान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, उसे कोई आवश्यकता नहीं। तो ये जो श्लोक है ये इस तरह से बता रहे हैं कि इसकी, इस तरह के एक्सप्लेनेशन की एक भक्त को आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने पहले कह दिया ना कि अर्जुन तुम तो मेरे भक्त हो, इसीलिए भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इतने विशद वर्णन की तुम्हें क्या आवश्यकता है। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छा, यहाँ पर तात्पर्य भी आप पढ़ेंगे, इसमें तात्पर्य में एक लाइन लिखा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि भगवान के ऐश्वर्यों के आधार पर ये जितने भी जो वस्तुएं हैं वो विभिन्न रूप से अस्तित्व में रहती हैं, तो इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको बस ये समझना चाहिए कि जो भी चीज है इस संसार में वो भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप में उसमें होने के कारण ही वो एग्जिस्ट करती है, इसीलिए वो अस्तित्व में है। तो इस बात को अगर हम समझें तब जाकर भी हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा से लेके एक छोटे से कीड़े तक सभी का अस्तित्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में विराजमान है। इतनी सी बात समझ में आ गई तो फिर ये सारे ऐश्वर्य का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान सब में है, ब्रह्मा जी में भी है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद्गीता की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।